प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर तलहा खान के नेतृत्व में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क कलेक्टर से जुलूस निकालकर जिला मुख्यालय पर आकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि लोको शेड का निर्माण जल्द किया जाए। रामगंगा तटबंध निर्माण में देरी के कारण रामगंगा के किनारे रह रहे लोगों को बरसात के माह में अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ठेका प्रथा खत्म हो और सूची कर्मचारियों को पक्का किया जाए। सफाई कर्मचारियों पर धारा 70 के अंतर्गत मृतक के परिवार वालों को नौकरी दी जाए। प्रदूषण विभाग द्वारा किया जा रहा दास कालों का शोषण बंद किया जाए। नगर निगम द्वारा फड़ पट्टी विक्रेताओं का शोषण बंद किया जाए। पेट्रोल डीजल के मूल्यों को GST के अंतर्गत लाकर इसका रेट कम किया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। मोटर वाहन चेकिंग के नाम पर मानव सेवा उत्पीड़न पर अवैध वसूली तुरंत बंद की जाए। मैं प्रोफेसर तलहा खान जिला अध्यक्ष हूँ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मुरादाबाद का, और आज हमने जो धरना दिया है वो सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ चल रही हैं उनके खिलाफ हमने धरना दिया है, जिसमें प्रमुखता से आप देखिए मोटर वाहन चेकिंग के नाम पर जो आज लोगों में जनता के बीच जो बहका माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, उसको तत्काल बंद करना चाहिए। और जो किसानों के गन्ने की पेमेंट है जो अभी तक बकाया है उसको पूर्णता से दिया जाए, ये हमारी मांग है। मुरादाबाद में लोको शेड का पुल निर्माण जो हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ, जब से ये सरकार आई है। मैं समझता हूँ एक ईंट भी उसमें अगर लगी हो तो मुझे बताइए। आप देखिए कि सुबह को बच्चे स्कूल में जो जाते हैं और नौकरी करने वाले लोग जो जाते हैं उन्हें कितनी समस्याओं से जूझना पड़ता है, आए दिन दुर्घटना होती है। दूसरा आप देखिए अभी बारिश का माहौल था, जो रामगंगा के किनारे बसे हुए लोग हैं वो बाढ़ के कारण इतने भयभीत हैं कि वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। वहाँ तटबंध की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी जो अभी तक नहीं हुई है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात सरकार करती थी, आज सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हो रहा है तो महिलाओं का आज इस मौजूदा सरकार में हो रहा है, और उन्हीं के जनप्रतिनिधि जिन पर जनता ने यकीन किया वो लोग महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये बहुत ही अफसोसजनक है। इस कारण आज हम लोगों को पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जी के आह्वान पर यहाँ आना पड़ा है, और आगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो इससे बड़ा रूप हमारा धरना रहेगा।